दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको टी बैग बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी दी थी और आज दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि खुद से चाय पत्ती कैसे तैयार कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चाय पत्ती तैयार करने की प्रक्रिया। किसी व्यापारी से चाय पत्ती खरीदने की जगह आप खुद से भी चाय पत्ती बना सकते हैं। दरअसल चाय के पौधे के पत्तों को तोड़ने के बाद उन पत्तों की विथरिंग, ग्राइंड, सुखाना और पीसने जैसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद चाय पत्ती बनकर तैयार हो जाती है। विथरिंग प्रक्रिया। विथरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत चाय के पौधों के पत्तों को 18 से लेकर 20 घंटे तक खुली जगह पर रखकर सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर की नमी को खत्म किया जा सके। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद चाय के पौधों की पत्तियों का रंग कॉपर रंग में बदल जाता है। क्रशिंग। पत्तों को हवा में सुखाने के बाद उन्हें ग्राइंड किया जाता है। कई कंपनियां हाथ के जरिए पत्तों को क्रश करती हैं, तो कई कंपनियों द्वारा ये कार्य रोटेटिंग टेबल्स या फिर रोलिंग मशीन की मदद से किया जाता है। सुखाना। चाय के पत्तों को क्रश करने के बाद उनको सुखाया जाता है और हर वैरायटी के पत्तों को सुखाने की प्रक्रिया अलग है। जैसे कि ब्लैक टी के पत्तों को उच्च तापमान की मदद से सुखाया जाता है ताकि ब्लैक टी की पत्तियों का फ्लेवर उसमें मौजूद रहे और उच्च तापमान में इन पत्तियों को सुखाए जाने के कारण इन पत्तियों का रंग काले रंग में तब्दील हो जाता है। उलोंग टी के पौधों के पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया। ब्लैक टी के पत्तों को सुखाने की प्रक्रिया के मुकाबले में कम समय लेती है। उलोंग टी के पौधों के पत्तों को पहले रोल्ड किया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर से दोबारा उनको रोल्ड किया जाता है। ग्रीन टी के पौधों के पत्तों को तोड़ने के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें उबाल दिया जाता है और फिर उनको सुखाया जाता है। पीसने की प्रक्रिया। चाय के पौधों के पत्तों को सुखाने के बाद उन्हें मिल में भेजा जाता है और फिर मिल में उन पत्तों को पीसने का कार्य किया जाता है। हालांकि चाय के पौधों के पत्तों को किस तरह से पीसा जाता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मकसद के लिए उनको बना रहे हैं। जैसे कि टी बैग के अंदर भरने वाली चाय पत्ती का आकार छोटा रखा जाता है क्योंकि इस प्रकार की चाय को बनाने में कम समय लगता है और छोटी आकार की पत्ती होने की वजह से ये पानी या दूध में जल्द घुल जाती है। ब्लेंडिंग। हर कंपनी अपने द्वारा बनाई गई चाय पत्ती को अलग स्वाद देने के लिए अपनी चाय पत्ती में कई तरह की चीज मिलाती है, जैसे कि इलायची, अदरक और लौंग। इसलिए आप अपनी चाय पत्ती को जो स्वाद देना चाहते हैं आपको उस स्वाद के हिसाब से उसमें कुछ चीजें मिलानी होंगी और उन चीजों को अच्छे से चाय की पत्ती के साथ ब्लेंड करना होगा। इन चीजों को मिलाने के बाद आपकी चाय की पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। चाय पत्ती के बैग में पत्ती भरने की प्रक्रिया। एक बार जब आपकी चाय पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी तो आपको इस चाय पत्ती को टी बैग मेकिंग मशीन की मदद से फिल्टर पेपर में भरना होगा। आमतौर पर एक चाय बैग में लगभग 1 से लेकर 4 औंस चाय पत्ती भरी जाती है। फिल्टर पेपर में चाय पत्ती को भरने के बाद उस पेपर को टी बैग मेकिंग मशीन की मदद से सील किया जाता है और उस पेपर के साथ एक धागा जोड़ा जाता है। वहीं आप चाहें तो अपने टी बैग पेपर पर अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको पेपर पर लोगो छापने वाली किसी कंपनी से संपर्क करना होगा। मार्केटिंग और प्रमोशन। बाजार में पहले से ही कई ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो कि टी बैग बेचने का कार्य करती हैं और इन्हीं कंपनियों का मुकाबला आप मार्केटिंग और प्रमोशन के जरिए कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से मार्केटिंग और प्रमोशन से जुड़े किसी भी तरीके का सहारा ले सकते हैं और लोगों को अपने टी बैग ब्रांड की जानकारी दे सकते हैं। निष्कर्ष। टी बैग के बिजनेस को स्टार्ट करते समय आप चाहें तो 1 या 2 प्रकार की वैरायटी वाली टी के बैग बनाकर उन्हें बेच सकते हैं। वहीं जैसे ही आपको ये बिजनेस अच्छे से चलने लगे तो आप अन्य तरह की वैरायटी वाली चाय पत्ती को भी टी बैग के जरिए बेच सकते हैं। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।